हम बेसिकली हम आपको अभी ग्रामर वगैरह उसमें लेके जाने की बात नहीं कर रहे। हमारा मेन आइडिया था कि स्पोकन इंग्लिश आपको एटलीस्ट बेसिक बोलने इंग्लिश आ जाए, आप टेंसेस और कुछ समझ सके। आप अगर इंग्लिश में कोई कम्युनिकेट कर रहा है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि बहुत सारी हमारी इवन आज के हमारे इसमें तो स्टूडेंट्स हमारे मोस्टली आई थिंक वीएलईज ही हैं। सो जब भी हमारा वेबिनार भी होता है, बहुत सारे वेबिनार हमारे इंग्लिश में स्पीकर होते हैं, तो वहाँ पे फिर हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है समझने में, हम समझ नहीं पाते और फिर हमको छोड़ना पड़ता है वो वेबिनार। सो वी डोंट वांट दैट दैट टू हैपन। सो स्पेशली हम कह रहे थे सबसे पहले हम अपने वेलीज जो हैं उनको लेके चलेंगे इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश लर्निंग क्लास के लिए, और फिर उसके साथ ही साथ हम और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको भी आप देख उनके लिए भी ये हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर डिमांड होती है। तो आज हम सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास ले रहे हैं ताकि आप इसको समझें, प्लेटफॉर्म कैसा है, इसमें लाइव क्लास का मजा आ रहा है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और हमारे टीचर्स को भी पता चलेगा कि स्टूडेंट्स हमारे किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं, किस तरह से उनको पढ़ाना में कुछ चेंज करना पड़ेगा उन्हें, या जैसे वो सोच रहे थे वो ठीक है तरीका। तो इसके साथ ही हमारे पास टोटल अराउंड 45 मिनट्स का टाइम है, बिकॉज हमारा 1 घंटे का हमने प्लान करा था, 15 मिनट हमारे हो गए, तो 45 मिनट्स तक का हम प्लान करते हैं। सो विद दिस आई हैंड ओवर टू, वी हैव टू टीचर्स टुडे, ऑनलाइन टीचर्स, दोनों का आप वीडियो देख रहे हैं। एक मैडम प्रीति जंधा नायक हैं और एक रुदाबेन। करेक्ट, गुड आफ्टरनून। ओके गुड थैंक यू। सो बिकॉज प्रोनाउंसिएशन नाम बहुत जरूरी होता है, प्रोनाउंस करना और कुछ आए ना आए किसी का भी नाम बिल्कुल ठीक प्रोनाउंस होना चाहिए। सो नहीं, ओवर टू थैंक यू। यू प्रीति गंदा मैम, ओवर टू यू, इट्स ऑल योर्स, योर क्लास। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। दिस इज रियली अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। एंड दिस इज सो दिस इज द फर्स्ट ट्रायल रन ऑफ एन इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश क्लास। एंड जस्ट अ सेकंड, आई एम टेक सपोर्ट, आई कैन नॉट गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, The arrow is there below the slide. Yeah, now I can see. Okay, sorry for that little glitch. So this is the first trial run for this class, and before we start, मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि ये क्लास कैसे होने वाला है। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मुझे पता है आपको सबको पता है, लेकिन जस्ट टू गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट इंग्लिश इतना प्रोमिनेंट कैसे हुआ और अब आज के ज़माने में उसका क्या एग्जैक्टली वैल्यू है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट पहले, एंड देन आई विल मूव ऑन टू हाउ टू मेक बेसिक सेंटेंसेस एंड हाउ टू रिकग्नाइज सर्टन थिंग्स इन अ सेंटेंस। सो लेट्स मूव ऑन। सो वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश? तो हमको तो पता ही है कि इट्स द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एंड दिस इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द वे दैट ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म हैपेंड। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इंग्लिश इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन एज ब्रिटेन वेंट अबाउट कॉलोनाइजिंग डिफरेंट कंट्रीज, कॉलोनाइजिंग डिफरेंट, टेकिंग ओवर डिफरेंट कंट्रीज, एज उनका राज बढ़ता गया, इंग्लिश स्टार्टेड बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंग्लिश इज कॉल्ड द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड। सो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इसके अलावा भी अगर आप मेडिसिन देखे या इंजीनियरिंग देखे, या जैसे आपके सर भी बता रहे थे वेबिनार्स में भी अगर देखे, तो इंग्लिश यूज करते हैं। सो इंग्लिश हैज़ बेसिकली एंटर्ड ऑल इंडस्ट्रीज, एंड इवन इफ हमको पूरा नहीं आता, इट्स नेसेसरी टू नो थोड़ा एटलीस्ट बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट द अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट, एंड ऑब्वियसली इट इंक्रीजेज योर एम्प्लॉयबिलिटी। ऐसे मैंने बहुत फ्रेंड्स से भी सुना है, ऐसे मैंने अपने रिलेटिव से भी सुना है कि जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश समटाइम्स दे एंड अप नॉट गेटिंग सिलेक्टेड फॉर देयर जॉब्स। तो
इवन इफ उनका टेक्निकल नॉलेज बहुत साउंड होता है, कभी कभी उनका इंग्लिश प्रॉपर नहीं होता है और उसकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है इन जॉब इंटरव्यूज. सो दैट इज वाई इंग्लिश इज डेफिनेटली बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज फ्रॉम योर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. अगर आप इंटरनेट पर भी देखें तो इंटरनेट पर एब्सोल्युटली एवरीथिंग हैज़ बिकम इन इंग्लिश नाउ. तो आप अगर ब्लॉग्स देखें जो एक इंडिविजुअल पर्सन मेंटेन करता है, या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स देखें, इवन इफ यू वांट टू सेट अप अ बिजनेस वेबसाइट, खुद का बिजनेस सेटअप करना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में सेटअप करने से आपको बहुत रीच मिलती है. एंड दिस इज अगेन वाई इंग्लिश हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट इन दिस वे ऑल्सो. मोर ओवर इट्स नॉट जस्ट कि हाँ ठीक है इंग्लिश आता है तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इट्स नॉट जस्ट दैट. अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप जैसे जैसे ब्लॉग्स पढ़ते हो, जैसे जैसे न्यूज़ पढ़ते हो, आपको समझ आता है दैट इंग्लिश दैट इट्स नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन दैट यू गेट, इट्स ऑल्सो इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर कल्चर्स. दूसरे लोग कैसे रहते हैं, दूसरे लोगों का कल्चर क्या है, दूसरे लोगों की संस्कृति क्या है, तो हमको ये सब भी पता चलता है विथ इंग्लिश. नाउ पर्सनल एक्सपीरियंस से ये मेरे थोड़े टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ. तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे इंग्लिश में बात करना है, आई विल जस्ट ट्रांसलेट वॉट एवर आई नो इन हिंदी इन टू इंग्लिश, प्लेन सिंपल ट्रांसलेशन. लेकिन ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज समटाइम्स जब हम प्लेन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं या हिंदी टू इंग्लिश जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो स्मूथ ट्रांसलेशन नहीं होता है, और बहुत बारी जस्ट थिंग्स गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ अ स्ट्रक्चर इन अ इंग्लिश सेंटेंस इज, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड, वंस आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है इंग्लिश सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, तो आप उसके तो देन यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश दैट वे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बट टू स्पीक इन इंग्लिश यू ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू order your words in English in that particular sentence. Another thing that I have learned, mere experience se hota hai ki aapka jo tongue hai, it's used to certain movements. So what do I mean by this is, to sometimes aapke language mein thode letters hote hai, thode shabd hote hai, jo letters aap dusre language mein nahi bol sakte hai. And this is so a per, so for example in Marathi there is a letter like r. So Hindi speakers ko usually r bolna nahi aata hai. Similarly as you speak in English, aapki jo aapka native language hai that might impede you from speaking in English, but that is not an obstacle at all. What you need to do is jab aap पढ़ते हो, मतलब जब भी आप कुछ भी इंग्लिश में पढ़ो, आप न्यूज़ आर्टिकल बुक या जो भी हो, आप जोर से बात कीजिए, बिकॉज आप जब जोर से बात करेंगे योर टंग विल गेट यूज टू दैट मूवमेंट, इट विल इम्प्रूव योर फ्लुएंसी. सो दिस इज वन टिप दैट यू मस्ट फॉलो. ओके देन आई विल मूव ऑन टू द वर्कशीट. सो अभी मैंने जो आपको बताया, मुझे बस ये जो क्वेश्चंस दिए हैं, आप ये क्वेश्चंस थोड़े आंसर करेंगे तो मुझे खुद को कैसे बात करना और कैसे सिखाना है, आई कैन इवैल्यूएट माई सेल्फ एंड चेंज माई टैक्टिक्स अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चंस. सो एज आई रीड आउट द क्वेश्चंस, प्लीज़ जस्ट टाइप इन द पब्लिक चैट विंडो कि हैव यू लर्नड इंग्लिश इन योर स्कूल, जिससे येस और नो. इफ़ ऑल ऑफ यू कैन जस्ट टाइप, ऑल द स्टूडेंट्स इफ यू कैन जस्ट टाइप अ येस और नो. Have you learned English in your school? Okay, that's good. Can others also type? Okay. Okay, yes. Yes, okay, good. Okay. No, okay, I get it. Okay, till now there are two no's. Okay. Okay. Okay.
यस ओके ओके इज दिस ऑल आर मोर पीपल गोइंग टू टाइप ओके ओके आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके समवन इज टाइपिंग या ओके यस यस ओके 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 यस ओके 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 सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो देर आर टू और थ्री नोस ओके do you want to learn English for school or for a job? Just type school or job as you go about it. Okay, for a job. Okay, that's good. Okay, for school, job. Okay. This is good. So I can also adjust accordingly. Okay. Job. Okay, school, job. Okay. Job. Very enthusiastic students. Okay, for a job. Okay, there are some for school, there are some for jobs. That's good. It's a good mix is good. Both school and job. Okay, that's understandable. Communication, okay. Communicating with other people, yes, that is important as well. Okay, so are you comfortable with my style of speaking? Just say yes or no. Okay. Yes. Okay, yes, thank you. Yes, okay, yes, thank you. Yeah. Okay. Yes, okay, yes. Okay, thank you. So should I speak more in Hindi, more in English? Or is the present way that I'm teaching good enough for you? Just type option C if the present way I'm teaching is good enough for you. Both, okay. English, okay. Yes. More in Hindi, okay, got it. Both. English, okay. Okay, in both, okay. More in English, okay. I'll try to do that as well. Rahul, can you just mute yourself? Yeah, thank you. More English. Okay, both are comfortable. More English. Okay, so what I will do is I will explain that particular thing in English first, and then I will explain it in Hindi so that you can get the best of both what I'm speaking. And if something is not clear, please type there. I'll respond to you right away. Okay, so now that we have a brief idea of how we can work together, I'll just move on to nouns. Okay, so both, yes. So now everyone thinks ki I just want to learn English. Mujhe bas English seekhna hai, mujhe nouns nahi seekhna hai, mujhe verbs nahi seekhna hai, sangya kya hota hai, humko pata hai. Lekin ye sab achhi baat hai. Lekin the thing is, aap इंग्लिश नहीं सीख सकते इफ़ यू डोंट नो ग्रामर. अगर आपको ग्रामर पता नहीं है तो आपको इंग्लिश नहीं आएगा. आप बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे. और ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि जब जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, जब मैं पहले एक दूसरे स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पे इंग्लिश ठीक से पढ़ाते नहीं थे, तो मैं जब कुछ पढ़ती थी मुझे बेसिक वर्ड्स जो होते थे वो कन्फ्यूज़ कर देते थे. सो फॉर एग्ज़ाम्पल because confusing lagta tha, through confusing lagta tha, into, on. So these are very important things. And if you don't know the order of a language, then agar aapko kuch, if you don't know the syntax, if you don't know the order, to aapki bahut grammatical mistakes hote hai. To basically kya hota hai, ki agar aapko
जैसे कनेक्टिंग वर्ड्स जो होते हैं, एक सेंटेंस को कनेक्ट किया दूसरे सेंटेंस से, तो अगर ये दोनों वर्ड्स कनेक्ट नहीं, आपको ये बीच वाला वर्ड समझ नहीं आता, तो आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं। तो अगर आप और हम बात करें और मैंने कुछ बोला और आपने कुछ अलग समझ लिया, दैट इज़ नॉट वोकैबुलरी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट कि आपको वर्ड का मीनिंग पता नहीं है, इट्स बिकॉज आपको ग्रामर पता नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इसलिए आई थिंक एंड अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑल्सो अग्री दैट ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ग्रामर से चालू करेंगे, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक्स इन ग्रामर जो कवर होता है वो है नाउन्स। इंग्लिश में नाउन्स बोलते हैं, हिंदी में उसको संज्ञा बोलते हैं। नाउ एज यू नो, आपको हिंदी में जैसे सिखाया होगा दैट संज्ञा इज टू, मतलब एक जगह का नाम होता है, प्लेस होता है, चीज होते हैं, गुण होते हैं। सो बेसिकली नाउन्स आर वर्ड्स दैट आर यूज टू आइडेंटिफाई अ नेम, प्लेस और थिंग। ओके, दिस इज फॉर एग्जाम्पल अर्जुन, कार, बाइक, बाइसिकल, टीम ऑफ पीपल, स्पोर्ट्स टीम, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ दीज नाउन्स आर डिवाइडेड इन टू अ प्रॉपर नाउन, अ कॉमन नाउन, एंड अ कॉमन नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इन टू काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव एंड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ जो प्रॉपर नाउन, ये जो नाउन्स आर डिवाइडेड इन टू, इनके तीन क्लासिफिकेशन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं एक एक करके समझाऊंगी, और हर एक एक्सप्लेनेशन के बाद आपको एक एक्सरसाइज दिया जाएगा, तो आप हम वो एक्सरसाइज सॉल्व करके सीख सकते हैं। ओके, सो नाउ आई मूव ऑन टू प्रॉपर नाउन्स। सो प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेसिफिक नाउन्स। स्पेसिफिक नाउन्स यानी विशेष नाउन्स जो होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स है, लेकिन माउंट एवरेस्ट स्पेसिफिक है। रिवर्स है, लेकिन गंगा नदी स्पेसिफिक है। सो हैज एवरी वन अंडरस्टूड वॉट अ प्रॉपर नाउन इज? नाउ आई विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। तो आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस। तो मैं काम करती हूँ, मैं एक सेंटेंस पढ़ूंगी और मैं किसी भी एक पर्सन का नाम लूंगी जो मुझे लिस्ट में यहाँ पे दिख रहा है, और आप आइडेंटिफाई कर दीजिए। मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, आप आइडेंटिफाई करके बताइए कि ये इसमें प्रॉपर नाउन क्या है। ओके, सो गोपिका इज माई फेवरेट पर्सन। विशाल, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रॉपर नाउन? कैन यू अनम्यूट विशाल? विशाल, हेलो। Yes, Vishal can unmute himself. ओके विशाल, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड कैन यू जस्ट गिव मी द आंसर फॉर द फर्स्ट सेंटेंस? हाँ, हाय विशाल, हेलो 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 विशाल, हेलो। We are able to hear you, pretty, but I ओके, think विशाल Vishal का is कनेक्शन खराब है। not. उनको टाइप करने के लिए बोल दीजिए, या तो हाँ, वो बोल रहे लॉक्ड है। टाइप कर लें, चैट चैट में टाइप कर लें क्या? अच्छा ठीक है। विशाल, कैन यू जस्ट गिव मी द आंसर ऑन द चैट इटसेल्फ? व्हाट इज द, गोपिका इज माय फेवरेट फ्रेंड, इसमें प्रॉपर नाउन क्या है? गिरीश कुमार, गोपिका, ओके ओके, पठान हैज गिवन द आंसर। ओके आई थिंक आप सबका थोड़ा इंटरनेट स्लो है, इसलिए इतना दिक्कत हो रहा है, बट इट्स ओके, वील मेक डू। फॉर नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। संडे इज द बेस्ट डे ऑफ, गोपिका इज द प्रॉपर नाउन, या गिरीश कुमार इज राइट। वील मूव ऑन टू द सेकेंड वन। संडे इज द बेस्ट डे ऑफ द वीक, इसमें प्रॉपर नाउन क्या होगा? इफ एनी वन कैन अनम्यूट देमसेल्स एंड जस्ट आंसर। अमृता,
गुड मॉर्निंग मैम, संडे इज द प्रॉपर नाउन. या गुड, या दैट इज राइट. आप वापस म्यूट कर दीजिए अपने आप को. ओके, आई लव अमूल आइसक्रीम, इसमें प्रॉपर नाउन क्या होगा? इफ एनी वन कैन जस्ट. ओके, मोहम्मद सरफराज. अमूल. या ओके, गुड. सो द फोर्थ वन इज Richa won the first prize in handwriting competition. Can anyone unmute themselves and answer? Richa, ma'am. Sorry? Richa is the proper noun. Yeah, that's good. Yeah, Richa is the proper noun. Good. Okay, in the second line, yes, Sunday is the proper noun. Yes. Okay. The fifth one is Three Idiots won an award in Japan. Now, if you are very smart, you will know exactly why the sentence is a bit tricky. Can someone unmute themselves and answer this question? Okay, Japan, okay. Okay. Japan also. Okay, Pathan, I think you're on to something over here. Can you tell me why did you write Japan also? Can you unmute yourself, Pathan? Okay. Hello? Yeah. Hi, Pathan. Can you tell me why did you write Japan also? Because Japan is a country. Yeah. You think Japan is the only proper noun? Yes. And also Three Idiots. Yeah, exactly. Three Idiots is also a proper noun. Very good. You can mute yourself now. Okay. So then you see that it's the names of extremely specific things. Now, specific things, agar aap sirf vishesh cheeze dekhe, to Gopika to hai hi, kyunki wo ek aap ek पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. आप संडे के बारे में बात कर रहे हैं, आप सारा वीक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. आप एक अमूल प्रॉपर एक आइसक्रीम ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, आप रिचा के बारे में बात कर रहे हैं, आप हेलो या आप थ्री इडियट्स के बारे में बात कर रहे हैं. इट्स अ मूवी. इफ आई वुड हैव सेड द मूवी because Three Idiots is a specific movie. I'm talking about a specific movie. मैं एक proper एक विशेष movie के बारे में बात कर रही हूँ. इसलिए Three Idiots will also be a proper noun. Yeah, it'll also be a proper noun. Three Idiots is the name of a movie. That's why. Okay, not noun. Yeah. So has everyone understood what a proper noun is? I hope this exercise helped. Yes, ma'am, please. Yeah, can you just type in the chat window saying yes or no? Okay, yes, okay, so I'll just move on to the next one then. Yeah, so now I'll move on to what is a common noun. कॉमन नाउन जो होते हैं वो अगेन तीन टाइप्स के होते हैं. एक काउंटेबल होते हैं, एक अनकाउंटेबल होते हैं और एक कलेक्टिव होते हैं. तो अगर आप काउंटेबल देखें, मतलब जिनकी गिनती कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं अपने फिंगर्स पे, सो बल्ब्स, टू फोटोग्राफ्स, टू ट्यूबलाइट्स, सो दीज आर काउंटेबल कॉमन नाउन्स. देन देर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन्स. सो फॉर एग्जाम्पल, can you just type if you have a question? Yeah, so then we also have uncountable nouns, that are nouns jiski hum ginti nahi kar sakte, jisko hum properly value assign nahi kar sakte. Infinitive. Hello, can you just type, Ujjwal, can you just type what are your issues? Yeah, so then there is, so those are uncountable. Ujjwal, yeah.
Kriti, you can continue. Okay. Yeah, Yeah. So. Sonit is our team member, so he is trying to help Pujwala on the connectivity. Okay. Cool. So then there is also uncountable nouns. So uncountable nouns वो होते हैं जिनको हम properly quantify नहीं कर सकते. तो we'll say rice दे दो. We won't say rices दे दो. We'll say give me wheat. Or you'll say give me 3 kgs of wheat. But you won't say give me wheat. So that's what it is. Then there is also collective. Now collective nouns are usually referred to as like group of people or group of things. So army is a collective noun. Group is a collective noun. Bunch is a collective noun. So now that we know what countable, uncountable, and collective is, let's move on to the exercise part of it. So okay, I can't. Yeah, this is common noun and this is exercise. Okay, so don't identify the proper noun. I just want you to give me the common noun. So in the first sentence, Rock On was a movie about a music band. Ranjit Kumar Verma, can you answer that for me? Unmute karke apne aapko. रंजीत कुमार वर्मा, क्या आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके, यू डू नॉट हैव अ माइक्रोफोन, दैट्स ओके. कैन यू जस्ट टाइप द आंसर देन? No, it's not movie. It's I'm talking about a common noun. Band, yeah, band. Movie can also be actually. Yeah, movie is also right. Yeah, you're right. Movie is also right, and so is a music band. Right now, I'm only looking at the band. Yeah, movie is also right. This one, but. Pravez Alam, yeah, movie is also right. Music band, yeah, music ka spelling wrong hai. Okay, now bring water from the kitchen. What is the common noun here? Yes, water. Water. If anyone can unmute themselves and answer, that will also be perfectly fine. No, it will be water, Pravez. It will be water. Okay. Let's move on to the next one. The school will reopen soon. What's the common noun here? Uncountable noun, water. Yes, good. Preeti Kumari, good. School, yes, extremely good. Yeah, you're getting it. Yeah, this is good. Yes, school, yes. Yeah. Okay. Yes, school, yes. Okay, this is an excellent book about mountains. What is the common noun here? Book, mountain, yes. Book, mountains as well. Yeah, Krunal, you're right. Book and mountain, yes. Pathan, you're right. Book and mountain, yes. Book and mountain, yes. Also mountains, yes. Book is countable ka spelling wrong hai. Keep the keys on the table. What will be the common noun here?
key and table, yes. Keys. Yes, keys, table, yes. Keys and table, yes. Keys and table, okay, yes. Keys and table, yes. Keys and table, yes. Okay, so now let's move on to the next portion, which is abstract nouns. Now, abstract नाउन्स आर इनटैंजिबल थिंग्स. इनटैंजिबल थिंग्स मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम सुन नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते. तो यू फील दीज थिंग्स, दीज आर इन योर माइंड, सो एज टू से दीज आर इनटैंजिबल इन अ वे. सो फॉर एग्जाम्पल, लव, यू अंडरस्टैंड लव, आपको लव पता है, आपको प्यार के बारे में पता है, आपको दर्द के बारे में पता है, आपको खुशी के बारे में पता है, आपको दुख के बारे में पता है, लेकिन यू कैन नॉट टच दीज थिंग्स, आप इसको छू नहीं सकते. एंड दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. नाउ वील जस्ट डू अ क्विक एक्सरसाइज. सो टू आइडेंटिफाई वॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज, ये समझने के लिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं, वो चीजें जो आप छू नहीं सकते, जो आप सुन नहीं सकते, जो आप देख नहीं सकते. So in the first one, okay, you started answering before I asked the question. Okay, so Sheru always speaks the truth. Yes, Ranjit Kumar is right. Krunal is also right. Amrita is right. Yes, truth. Yes. Where did you see goodwill, Preeti Kumari? Truth. No, speak won't be an abstract noun. Speak is an exercise. It's an action. So action is a different class of, it's a different category altogether. So speak won't be a noun here. Truth, yes, truth will be. Ranjit, you were right before. It is truth. It's not speak. Second one is happy, yes. Second one is happy. Krunal, very quick. Yeah, the children are so happy. The second one is happy. Yes, Amrita is also right. Okay, so you guys are catching on. That's good. Okay, you already moved on to the third one. Okay. Has everyone understood why the second one may the second one is happy? Happy is an abstract noun. Yes. Okay, so you all are already moving on to the fourth and fifth one. Okay, I will let it go for now. I won't point it out to you. But let's move together as a class in the next exercise, because I think people might get confused if we just move on ahead, and some might be left behind. So I'll let it go for this class, for this exercise. But next exercise, we'll all do it together. Angry. Yes, angry. Yeah. Okay, so I assume that everyone has kind of got what abstract nouns is. Yes, has everyone understood what abstract nouns are? Okay, third is angry. Yes, third is angry. Okay, so this has caused a bit of a confusion. Peace. Yes. No, Amrita Verma, prevails won't be it. Prevails is something different altogether. So yeah, we'll move on to prevails, but it definitely won't be prevails. I'm sorry, I had lost connection for a while. Yeah, now I'll just move on to the next one. Yeah. So now that we know what these different types of nouns are, now we come to singular and plural nouns. So a lot of times I overhear people saying childrens should do this, but that is wrong, because each because जैसे जैसे nouns होते हैं, जैसे आप table देख लो, या फिर आप chair देख लो, या फिर आप cupboard देख लो, एक एक cupboard होता है और दो cupboards होते हैं. Now यूजली इट्स फेयरली ईजी टू अंडरस्टैंड कि एक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का फॉर्म क्या होगा.
but there are some times when it becomes slightly more difficult, and this is when you when it comes to plural nouns. So singular nouns, they refer to a single entity. Ek person ke baare mein hota hai singular noun. Plural nouns refer to more than a single person placed in. Ek se jyada log, matlab ek aadmi hota hai and then log ho jate hai. Aisa mujhe hindi mein thoda thoda bahut aise lagta hai hota hoga. जैसे एक पेन होता है, टू पेन्स होते हैं. ओके, सो देन यू जस्ट समटाइम्स यू ऐड बॉय टू बॉय एंड देन इट बिकम्स बॉयज. गर्ल विल बिकम गर्ल्स. सम सम प्लूरल नाउन्स में टमेटो बिकम्स टमेटोज. देन थोड़े होते हैं मैन टू मेन, चाइल्ड टू चिल्ड्रन. दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू बेसिकली लर्न ऑन योर ओन. आई कैन गिव यू अ चार्ट, बट बेसिकली यू हैव टू रीड अप ऑन योर ओन. Okay, so now I'll move on to basic sentences. So basically, what is a sentence made of? Now, so the basic formula for any sentence is subject, verb, object. अभी मैंने ये table बनाया है. So ये table है who performs the action. This is your subject. So your sentence is divided into these three sections. So first is the subject, the second is the verb, and the third is the object. Now, फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है, बेसिकली यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ वेन यू आर फॉर्मिंग अ सेंटेंस. आप ही अपने आप को पूछो कि ये एक्शन कौन कर रहा है, ये कौन, ये रमेश. सो फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल इट्स रमेश रीड्स बुक्स. सो हु परफॉर्म्स द एक्शन, कौन ये एक्शन कर रहा है? रमेश. रमेश इज द सब्जेक्ट. अभी वॉट इज द वर्ब? इज द एक्शन, क्रिया जिसको हम बोलते हैं. रमेश क्या कर रहा है? What is the action? रमेश is reading. Reads is the action. Then it comes to object. Who or what receives the action? मतलब ये action किस पर perform हो रही है, किस चीज पर perform हो रही है. तो ये sentence में किस पे perform हो रही है? Books पर. Now this is the basic order of any sentence in English. Subject, verb, object. अगर आपको ये क्लियर हो जाए तो आपको कम्युनिकेट करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है. नाउ आई विल मूव ऑन टू, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टिप अबाउट हाउ अ वर्ड कैन बी यूज्ड एज अ नाउन और अ वर्ब. अ वर्ड कैन बी यूज्ड बोथ एज अ नाउन और अ वर्ब. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वर्ड इज शोइंग एन एक्शन, इट इज अ वर्ब. अगर वो शब्द कोई एक्शन बता रहा है कि खेल रहा है, प्लेस फुटबॉल, दैट इज अ वर्ब. बट अगर वो किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हो, किसी एक्शन को नेम कर रहा हो, वो नाउन होता है. सो ही प्लेस फुटबॉल, एग्जाम्पल, ही एंजॉयज प्लेइंग. नाउ इसको प्रॉपरली okay, I think there's some disconnection, so let her come back again. So thoda sa hum wait karte hain. Hello, good afternoon students and good afternoon to one and all. Mera naam Rudabe hai aur mujhe aap sab se ek question puchna hai. Jab aap log sabne bola, Preeti ma'am ne aapke sath wo questions diye, to you all said ke you all applying either for job or you all applying to be in a school or you know whatever your requirement to learn English. तो मुझे जानना है कि इंग्लिश से आपको ऐसा लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है बिकॉज यू डोंट नो द सब्जेक्ट, कि आपको बस लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, तो आपको क्यों इंग्लिश सीखना है, इज व्हाट आई वांट. कैन एनी, यू कैन पुट इट इन द चैट
You can write in one sentence what it is that you, why is it that you want to learn English? And if you are confident about the subject, you feel nervous because you don't know proper English, what is the problem? Yeah, I can see that people are typing. Yes. Good afternoon, Priti Kumari. Okay. Okay, so while I assess not connected. Okay, so you, Krunal, you are saying that you want to learn English because aapko dusro se connect karna hai. Am I right? Okay, okay. Okay, that's very impressive, Mr. Ranjit. Okay, great, great. So all of y'all have one reason as to why English for you is important. So let me tell you something. English is not as difficult as y'all think it is. And yes, it may take a little time for y'all to, you know, like Preeti ma'am said, ke, grammar mein mistake ho sakti hai. ओके तो डोंट वरी नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू कि जब आप जॉब पे जाते हो जब आप इंटरव्यू लेने जाते हो करेक्ट उर्वशी करेक्ट कम्युनिकेशन वेरी गुड जब आप जॉब पे जाते हो जब आप यू नो इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यू के कई बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ओके तो वन वुड बी ग्रुप डिस्कशन और दे मे गिव यू यू नो एन ईमेल दे मे गिव यू सेइंग के ये क्लाइंट को लिखो कि हमें इतने प्रोडक्ट्स चाहिए ईमेल लिखना है इंग्लिश में सो दे असेस यू ऑन रिटन स्किल्स जैसे हम बोलते हैं और स्पोकन स्किल्स के लिए वो लोग ग्रुप डिस्कशन लेते हैं तो तब क्या होता है क्या आप नॉर्मली जिसको इंग्लिश ठीक से नहीं आता है वो लोग नर्वस हो जाते हैं एंड और इंग्लिश आजकल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि उसके ऊपर बेसिस पे जॉब के लिए आपको जज किया जाता है तो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू कि जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको अपने सेल्फ को कैसे प्रेजेंट करता है ओके फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन तो पहले जब आपका एचआर आपको देखेगा वो ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ क्या उसका बोलने का स्टाइल है नहीं वो बोलेगा ओके कितना वेल ड्रेस्ड है कितना डिसेंट है सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर इंस्टीट्यूट फर्स्ट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू Okay, so what you have to do is you have to ensure that you are well dressed. Okay, if you're going to a corporate place, the ladies would probably wear a churidar or, you know, maybe a pant and a shirt, but in a decent way. Okay, similarly, boys ke liye, toh it is always a pant and a shirt with a belt, a tie, maybe a suit like that. So that is your first impression, very first impression. सबसे पहला जो आदमी आपको देखता है उसको वो जज करता है हम सबको देखते हैं ऊपर से नीचे और सोचते हैं अच्छा ये आदमी ऐसा हो सकता है सिर्फ कपड़ों के बेसिस पे सो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन इज शुड बी द बेस्ट इंप्रेशन ओके दैट इज वन नंबर टू फिर आपका जब इंटरव्यू शुरू होता है तो आप ग्रुप डिस्कशन में आपको बिठा देते हैं अब आप सोचेंगे बापरे मेरा इंग्लिश तो इतना अच्छा नहीं है तो मैं क्या करूं कैसे स्टार्ट करूं कभी कभी क्या होता है ना कि यू कैन स्टार्ट आस्किंग ईच अदर आप पूछ सकते हो कि आपका नाम क्या है नाम से स्टार्ट करो किसी का अगर ग्रुप में हो तो अगर कोई स्टार्ट करता है टॉपिक सपोजिंग टॉपिक में बोलता है कि ये कोविड 19 की वजह से आपको क्या क्या तकलीफ हो गई तो एक ने बोला दूसरे ने बोला बाय द टाइम इट रीचेज यू शुड मेक श्योर दैट बिटवीन 1, 2, and 3 यू आर एटलीस्ट मिनिमम द थर्ड पर्सन टू टेक पार्ट इन द ग्रुप डिस्कशन
you don't have to give a lecture on what you experienced in COVID-19. You can just say that either it was difficult, it was fruitful, आपने कुछ दूसरा सीखा बिकॉज आप घर पे बैठे हो, आपको कहीं जाना मना है, तो ऐसे आप बात कर सकते हो. ओके, सो एज एन एक्टिविटी, ओके एज एन एक्टिविटी लेट्स जस्ट ट्राई. आई विल कॉल आउट टू थ्री नेम्स, ओके, एंड आई विल सी इफ यू कैन टॉक टू ईच अदर. ओके, इंग्लिश आपका अगर टूटा फूटा है, ठीक से नहीं आ रहा है, डोंट वरी, आपको कोई जज नहीं कर रहा है. मुझे सिर्फ जानना है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है. Okay, everyone cool with it? So I'm going to ask only two or three people to unmute their mics. Okay, so Mr. Ranjit, can you please unmute your mic? Miss Preeti, can you unmute your mic? And Miss Amrita, can you please unmute your mic? Okay, great. So I can see Amrita has done it. Preeti and Ranjit, where are you all? Come on, any one of you, any two of you can do it. Okay, no problem. Yes, Krunal, first impressions is last, correct, absolutely correct. Come on, any two of you who have the mic, please unmute yourself. Amrita, can you unmute your mic? Unmute karo apne aapko. Good morning, ma'am. Good morning nahi hai, abhi good evening ho gaya hai, to good evening, Amrita. Ma'am, first time aapse meet ka ho raha hai na. Chalo. Okay, fine. Okay, Sonu has unmuted. Okay, fine. Now, Sonu and Amrita, tell me, what was your experience during COVID-19 phase? We are in a group discussion. Come on. Yeah. Can I speak in Hindi, ma'am? Yes, speak in Hindi. Speak in Hindi. Okay. Ma'am, ये COVID-19 की वजह से मतलब घर में रहना पड़ रहा है, बाहर से कोई भी सामान लाना पड़ रहा है, तो उसे 24 hours मतलब 24 hours के लिए उसे घर से बाहर ही रखना पड़ रहा है. जी. उसके बाद उसको सैनिटाइजर करके उसको फिर लाना पड़ रहा है रूम में. ओके अमृता, सोनू जो भी काम है वो नहीं कर पा रहे. सॉरी, रिपीट करेंगे आप? मैम, जो भी मार्केट का काम है वो नहीं कर पा रहे. जी, 4 to 5 months तक सारा पेंडिंग है. अच्छा, ओके. और कुछ? नो मैम. Okay, fine. You can mute yourself. Sonu, do you want to say something? Or Urvashi, do you want to say something? Anyone? Come on, don't be nervous. Nobody is judging you. You can speak to me in Hindi first, then go to English. You can speak to me in English, like you all have put it on the chat. Give it a try. Yes, Sonu? Okay, theek hai. Since nobody is participating, I'll move on. Now see, if Amrita was in an interview and she was doing a group discussion, okay? If, yes or no? Okay. If Amrita was in a group discussion and she would have spoken in Hindi, to aapko sab bolte, are English mein baat karna chahiye tha. So Amrita, basically, agar aapne jo... Okay, it's okay, Sonu. Amrita, English mein, Hindi mein jo aapne mujhe bola was basically that because of COVID, you cannot go out anywhere, right? To aap aise simple sentence mein bol sakte ho. To aap bol sakte ho ki COVID ki wajah se, so you will say, because of COVID, we could not step out of the house. A lot of marketing is left behind. Okay, you can say that. A lot of marketing has been pending, or it has been left behind, and hence I cannot move out of my house, and other things are also at a standstill. You may or may not have a job also. Okay, then comes also when you are in a group discussion, remember everybody is watching you. They are looking at you. They are observing you, the way you sit, the way you stand, the way you talk, the way your arms are folded or not. It matters. So agar aap इंटरव्यू चेयर पे बैठे हो, एकदम चेयर के कॉर्नर पे बैठोगे, तो आप
आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि आप नर्वस हो. ओके, अगर आप एकदम पीछे हो के ऐसे स्लाउच करके बैठे हो, दैट शोज यू आर नॉट इंटरेस्टेड. सो बेसिकली जब आप किसी से बात कर रहे हो, जब आप किसी को ग्रुप डिस्कशन में, अगर आप पर्टिकुलर पर्सन एक स्पेसिफिक आदमी को या औरत को देख कर बात कर रहे हो, तो इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. आपको आपका आई कॉन्टैक्ट होना ही चाहिए. उससे क्या होता है, उससे कॉन्फिडेंस कम्युनिकेट होता है. और नॉट जस्ट कॉन्फिडेंस, इट ऑल्सो शोज के आपको, आप जो बोल रहे हो उस वो बात आपको एब्सोल्युटली पता है. अप्रोच, क्रुणाल यू सेड अप्रोच, what are you trying to tell me? आप क्या बोलना चाहते हो अप्रोच से, कि the way you approach the topic or the way you approach somebody with confidence? आप क्या बोलना, आप किसी को अप्रोच कर रहे हो कॉन्फिडेंस से या आप एक टॉपिक अप्रोच करना चाहते हो? यस, ओके, टिल कृणाल आंसर्स आई विल जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल. ओके, अभी मुझे आई वांट टू नो के हाउ मेनी ऑफ यू फील के मतलब आपको अगर ग्रुप डिस्कशन में बिठाया जाए तो कितनों को लगता है कि यू नो बहुत नर्वस लगता है, उसकी वजह से आप नहीं बात कर सकते हो, ऐसा कितनों को लगता है? ओके, अप्रोच द ग्रुप डिस्कशन, राइट. सो आपको किसको लगता है कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है ये ग्रुप डिस्कशन अप्रोच करने का? ओके ओके, उर्वशी, अमृता, कृणाल, उज्जवल, शिशिर, ओके फाइन. सो मोस्ट ऑफ यू ऑल थिंक दैट नहीं बाबा, हम ग्रुप डिस्कशन को अप्रोच नहीं कर सकते. तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, जब आपको इंटरव्यू का कॉल आता है, आपको तो पता है कि भाई इंटरव्यू तो देना है, एंड ग्रुप डिस्कशन दीज डेज लेट मी टेल यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ग्रुप डिस्कशन में बात नहीं कर सकते हो, यस ओके, आई गेट इट स्टूडेंट्स, थैंक यू. You can't have a group discussion in English. Okay, Krunal. Okay, so don't worry. We are there to help you. Okay, slow and steady. You will eventually learn. जैसे हम बात करेंगे एक दूसरे के साथ में, वैसे मैं आपको हिंदी में भी समझाते जाऊंगी और इंग्लिश में भी बात करूंगी. Okay, so basically I will stop at group discussion today. And अगले lecture में हम बात करेंगे आगे उसके बारे में, ठीक है? So group discussion में basically आपको जब interview का call आता है, यू नो कि आपको अभी आपको यू हैव टू लुक एट न्यू टॉपिक्स. अभी लेटेस्ट टॉपिक क्या है, कोविड का लेटेस्ट टॉपिक है, राइट? सो यू हैव टू, यस यस, जब कोविड का टॉपिक न्यू है तो उसके ऊपर व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू गूगल, यू कैन लुक एट अदर थिंग्स एंड अच्छा चलो ऐसे बात करना है, ऐसे बात करना है. गूगल इज अ बिग प्लेटफॉर्म. या तो फिर यू कैन कम, यू कैन अप्रोच योर टीचर्स जिससे आप क्लासेस लेते हो या कुछ. और अगर सपोजिंग आपको बहुत ही तकलीफ होती है, मतलब इंग्लिश बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, आप हिंदी में भी बात करते हो, तो भी आपको कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, विच मीन्स योर पॉस्चर. आप जैसे बैठते हो, उसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, सीधा बैठना है, ऐसे फोल्ड करके नहीं बैठना है, इट्स रॉन्ग. ओके, जो लेडीज होती है उनको पैर ऐसे क्रॉस करके रखना चाहिए, यू नो, इट ऑल शोज बॉडी लैंग्वेज, इट कम्युनिकेट्स वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन और एन एम्प्लॉई यू आर. ओके, am I clear? So can anybody give me just quickly one example of how they will crack the group discussion? Any one example, come on. What will you do? Will you approach the topic and be brave, or will you wait for one person to speak and then start the conversation? What will you do? Yes, Ujjwal, you are saying yes. Yes, for what? What will you do? Will you approach the topic first, or will you just wait for someone and then, you know, continue the discussion? Because both have different things to say. If you begin the topic, which means you convey a lot of confidence. If you continue the topic, it shows that you are thinking quick. So, dono mein plus points hai. Ab kya karoge?
I will approach. Well done, Ranjit. It is so nice to know that you will do that. Krunal, very good. Good confidence. Okay. Very good, Sonu. I am so happy to see that all of you all will approach the topic. Well done. And trust me, English is overrated. You don't have to be scared of it. Okay? You just have to have the urge to learn it. Okay? So did you all like this discussion? Do you all think we should add more to it? Good, Amrita. You also would start the topic. Very good. Very good. Very good, Ujjwal. Very nice to know. Good. The topic was good. Good. I hope you all enjoyed. And please, English is overrated. Okay. We are here to help you. Don't worry. Good. Great. Okay. 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 Okay, you're welcome. You're welcome, Sonu. Okay, I think that concludes my topic. Thank you. Okay, great, great. You're welcome. You're welcome. I think Dr. Piyush Gupta will address us now. Yeah, thank you very much. Thank you very much, ma'am. And thank you to Preeti Ganga ma'am also. I think there's some problem with the network. And we missed out getting into the tips part because tips are always important whenever you're learning something new. Whenever tips jab aata hai, toh matlab wo nutshell hota hai. Baki nahi samajh aaya. So I think it was a very good, some of the things, it's always good to learn. And as they say, learning doesn't have any age. So right. Whenever you hear any teacher talking and teacher explaining something, in fact, personally, irrespective of language, I always try to learn something or the other. So it was a very good experience and we will get back to the students. And jitne bhi join kar rahe hain participants, apni state team ko, आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि वुड यू लाइक टू कंटिन्यू. ये हम प्लान कर रहे हैं कि एक महीने का कोर्स होगा, एक घंटे रोज क्लास होगी उसके ऊपर. तो 30 घंटे का मेनली प्रोग्राम है, एक एक घंटे का रोज क्लास होगा. इस तरह चलेगा जिस तरह आज फॉर्मेट ये था, बीच बीच में एक्सरसाइज पूछ रहे हैं. सो इंटरेक्ट था, बहुत इंटरेक्टिव था आज. एंड तो अपने स्टेट को फीडबैक दीजिएगा, देन अकॉर्डिंगली योर स्टेट टीम जो झारखंड के हैं वो अनुपम को फीडबैक दे सकते हैं, और जो गुजरात की टीम मेंबर्स हैं ज्वाइन कर रहे हैं गुजरात से, वो रोहित को फीडबैक दे सकते हैं. सो वंस यू गिव दैट एंड देन वी कैन सी, अगर स्टूडेंट्स अच्छे हो जाते हैं फिर हम डेफिनेटली इसको लेके जाएंगे. इमीडिएटली हमारा प्लान है स्टार्ट करने का. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वेरी मच मिस्टर सौरभ बासु हु इज एट द बैक एंड, जिन्होंने ये मुमकिन बनाया ये ट्रायल क्लासरूम. सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू बोथ टीचर्स. इन फैक्ट इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. सो विद दिस वी कैन क्लोज. थैंक यू सर फॉर ऑल योर कोऑपरेशन. थैंक यू टू सीएसडी एकेडमी. थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट्स. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. कैन वी थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. क्लोज द सेशन नाउ. Yes, sir. Yes, sir. We can close the session. One second. Thank you to you all.